आज की डेट में सीसीए नहीं करते, तो सीसीए का नया वाला मॉड्यूल अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा है पता है आपको? 200301, करेक्ट। ये आज की डेट में हमारा नया वाला सीसीए का मॉड्यूल है, राइट। पता है इसके बारे में? हेलो, यस सर। यस, ठीक है। हेलो, अभी क्या हुआ था, अगर मैं फेब 2020 की बात करता हूँ, तो 2020 में इन्होंने नया वाला कोर्स लॉन्च किया, राइट, सिस्को ने। तो अगर मैं और थोड़ा पुराने टाइम में जाता, लाइक 2019 या उसके पहले जाता, तो उसके पहले मैं कोर्स हुआ करता था जिसका नाम था CCENT, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन। ये काफ़ी बेसिक लेवल का कोर्स होता था, और उस टाइम में बोला जाता था कि अगर मुझे ये वाला कोर्स करना है, ये वाले कोर्स के अंदर हमें काफ़ी सारे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पता चलता था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। उसके बाद ही हम लोग CCNA का कोर्स कर सकते थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ये कोर्स मैंडेटरी था कि आपको करना ही, ऐसा भी नहीं था, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर का काफ़ी सारा कोर्स कंटेंट CCNA के अंदर कवरअप किया जाता था, ठीक है। बट जैसे नया वाला CCNA आया, तो उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर कोर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो बेसिक्स कंटेंट है जो हमें पता होने चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द CCNA, तो वो सब चीज़ें नहीं थी। तो आज के सेशन में हम लोग वही डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हम लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने वाले। उसके बाद नेटवर्क में टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम लोग लैंड नेटवर्क के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, एंड मैन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि हम लोग डेली यूजेस में करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस काफ़ी सारे टाइप्स के हैं। हब के बारे में बात करेंगे, स्विच के बारे में बात करेंगे, हम लोग राउटर डिवाइस के बारे में बात करेंगे, फायरवॉल के डिवाइस के बारे में बात करेंगे, एक्सेस पॉइंट एंड WLC, ये डिवाइस के बारे में हम लोग बात करने वाले। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया, के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले, हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले। अभी कम्युनिकेशन मीडिया मतलब क्या होता है, हम लोग दो तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक होता है वायर, एक होता है वायरलेस नेटवर्क। हम लोग दोनों तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत समझने वाले। उसके बाद हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में समझने वाले, काफ़ी सारे टाइप्स की टोपोलॉजीज होती है, बस, रिंग, स्टार एंड मेश टोपोलॉजी। उसके बाद में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बिग रोल प्ले करता है CCNA, CCNP एंड CCIE लेवल पे। हालांकि ये CCNA लेवल में ही कवर किया जाता है, बट NPA एंड I जो लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं एज अ सीनियर इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, उनके लिए सबनेटिंग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले, OSLS के बारे में भी बात करने वाले। आजकल के नए वाले सिलेबस में OSLS के बारे में जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करने वाले। लास्ट में हम लोग देखेंगे IP एड्रेसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले, जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले, हम लोग उसके सबनेट मास्क के बारे में बात करने वाले, नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइवेट IP एड्रेस के बारे में बात करने वाले एंड पब्लिक IP एड्रेसेस के बारे में बात करने वाले। लास्ट में मैं कुछ बोनस में आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, नेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा कि नेट एग्जैक्टली क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज द DHCP। हम लोग इस सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले। सो ये अराउंड अगर हम लोग देखते हैं तो 25 to 30 टॉपिक्स है जो कि वी शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग द CCNA। बिकॉज क्या होता है, इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो CCNA के अंदर कवर अप नहीं किया जाता, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है। तो उनको लगता है कि जब भी हम लोग CCNA ज्वाइन करते हैं तो हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छी तरीके से CCNA के अंदर एनरोल करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया, आज की जो मीटिंग में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट देखता हूँ मैं यहाँ पे, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे पास से पढ़ रहे, तो अगर इन लोगों को मैं बात करता हूँ तो इन लोगों से मुझे पता चलता है कि इनको इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो इन्होंने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली CCNA ज्वाइन करता, CCNA स्टार्ट करता इनके लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ टॉपिक मिस हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से इसको समझ नहीं पाते। तो मैंने ये सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले CCNA के पहले मैं CCENT के जो मैंने अभी जो
टॉपिक्स डिस्कस किया, 25 to 30 टॉपिक्स, इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल सीसीएनए पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ये प्रोसेस आप भी फॉलो करो, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर सीसीएनए वगैरह पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज यहाँ पे आपका आज के सेशन में आपका काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली सीसीएनए ज्वाइन कर सकते हो, आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन रखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलते जाऊँगा, आप भी मुझे रिस्पॉन्स करो, मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, भले वो राइट हो गलत हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको 20-30% पता है तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर विलेन के बारे में पढ़ाओगे क्या सर? मैं एट द एंड ऑफ सेशन अगर हमारे पास टाइम है मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। विपिन कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके फाइन, मैंने म्यूट कर दिया है ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या थैंक यू सो मच, सो वी कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में। सो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज नेटवर्क, सो आप उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे बताओ, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस सर। यस, व्हाट्स योर नेम? हेलो सर, नीरज। यस नीरज, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज नेटवर्क। टू आर मोर देन टू डिवाइस कनेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क सर। यस करेक्ट, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोई? ओके लेट मी एक्सप्लेन। नेटवर्क क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस है, ठीक है, लाइक वेदर इट इज हब, वेदर इट इज स्विच, वेदर इट इज राउटर, वेदर इट इज यूजर पीसी, हम लोग प्रिंटर, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस है और ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास स्विच है और स्विच के साथ कुछ यूजर पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। अभी स्विच क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझने वाले, स्विच एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है जो मैक एड्रेस पे काम करता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास मल्टीपल यूजर पीसी है, ये सभी के सभी यूजर पीसी मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच ये मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है, जस्ट कंसिडर राउटर ये मेरे ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो मुझे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है उसके साथ कनेक्टेड है, एज वेल एज यहाँ पे स्विच के साथ एक सर्वर कनेक्टेड है, जस्ट कंसिडर करते हैं हम लोग ये मेरा स्टोरेज सर्वर है, जितने भी मेरे पास यूजर्स है ये सभी यूजर्स का डेटा हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज सर्वर में सेव होता है, तो हम लोग इसको एक स्टोरेज सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का नेटवर्क है, ठीक है, तो इसको हम लोग तो नेटवर्क बोलते हैं, मतलब क्या हो गया मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ पे दे आर नॉट शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड डेटा, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, ये सभी ओनली कनेक्टेड है केबल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे वो लोग एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे को फाइल शेयर करेंगे, पैकेज शेयर करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे दे आर डूइंग द नेटवर्किंग, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे को डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर करना, विच इज कॉल्ड एज अ नेटवर्किंग, ठीक है। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द नेटवर्किंग। हालांकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या होता है। अभी जैसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं तो नेटवर्क बोलने के बाद हमारे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर अगर कोई पर्सन है जिसको नेटवर्किंग नहीं पता है, जिसको CCNA नहीं पता है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिनको फर्स्ट टाइम सुनते हैं कि नेटवर्क नहीं पता होता है, तो उनके दिमाग में आता है कि यहाँ पे शायद से ये मोबाइल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, आइडिया नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, शायद वोडाफोन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बताना है यहाँ पे हम लोग ISP मतलब जो आइडिया वोडाफोन नेटवर्क, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, ना ही हम लोग यहाँ पे सोशल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा, हम लोग इस नेटवर्क के बारे में भी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग जिस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। गॉट इट? ओके, सो नेटवर्क दैट मीन्स टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, विच इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क। एंड व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मतलब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है एंड दे आर स्टार्टेड शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड डेटा, विच इज कॉल्ड एज अ नेटवर्किंग। ओके, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? हेलो, दैट मीन्स ऑफ टू डिवाइस कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। यस एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी नेटवर्क जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं,
लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कि मोस्टली हम लोग लैन वैन एंड मैन के बारे में ही जिक्र करते हैं, जो कि बुक्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में एंड होम एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है एंड होम एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग कॉलेज में वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए, सबके सब कॉलेज में या कंपनी में जॉब कर रहे, तो उनको पता ही है कि कैंपस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक कंसीडर करो, ये काफ़ी बड़ा एक एरिया है, ये एरिया है एक कॉलेज का, तो कॉलेज में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, तो उन्होंने फर्स्ट बिल्डिंग बनाए जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्होंने एक सेकंड बिल्डिंग बनाए जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्होंने और एक बिल्डिंग बनाई जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और एक स्टूडेंट बनाए वहाँ पे एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया एक कैंपस एरिया नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ लोकली कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो हम लोग कुछ इस तरीके के नेटवर्क को देखते हैं, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते ये मेरा कैंपस एरिया नेटवर्क है, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे और एक बात के और एक बारे में मैं जिक्र करूँगा, जैसे कि कंपनीज, अभी हम लोग काफ़ी सारे देख सकते हैं, अभी हम लोग आईटी डोमेन में काम करते हैं, तो आईटी सेक्टर में आईटी पार्क करके काफ़ी ज़्यादा वर्ड सुनने को देखने को मिलता है, जैसे कि पुणे में भी है, मुंबई में है, नागपुर में है, बैंगलोर में। सो आईटी पार्क क्या होता है, आईटी पार्क मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे मल्टीपल आईटी कंपनीज होती है, लाइक एबीसी कंपनी में, यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं ले सकता एज पर द कॉन्फिडेंशियल थिंग, जैसे कि एक्स वाई जेड कंपनी है या तो कोई भी डीएफ कंपनी है, सो कोई भी ऐसी कंपनीज है, यहाँ पे मल्टीपल 6-7 कंपनीज मिला के एक पूरा कैंपस, एक पूरा पार्क डिज़ाइन होता है, तो हम लोग इस तरीके के नेटवर्क को भी हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं होम एरिया नेटवर्क के बारे में। होम एरिया नेटवर्क जनरली हम लोग अपने घर पर देख ही सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक मार्केट से राउटर लेके आते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने स्विच डिज़ाइन किया, राउटर लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। सो राउटर के साथ कुछ ये वाईफाई राउटर होता है, जो कि हम लोग फिक्स राउटर भी कहते हैं, इसके साथ हम लोग कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये डिवाइस को हम लोग देखते हैं तो इसके पीछे के साइड में लैंड पोर्ट वगैरह होता है, तो हम लोग लैंड पोर्ट के थ्रू प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़र पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है तो मैं आईपैड या मोबाइल ये सभी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो होम एरिया नेटवर्क जनरली हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो अभी हम लोग बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। अभी यहाँ पे सबसे ट्रिकी पॉइंट, जैसे कि अभी हम लोग इंटरव्यू में वगैरह जाते हैं, तो हम लोगों को पूछा जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है, तो किसी ने बोल दिया व्हाट इज़ लैन, तो उनको ये नहीं बोलना है कि लैन इट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वो फुल फॉर्म हो गया, उनको लैन का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमें फुल फॉर्म नहीं बताना है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के अंदर। सो लैंड, लैंड इज स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक स्मॉल एरिया को कवर करने का काम करता है। अभी स्मॉल एरिया मतलब क्या, स्मॉल एरिया मतलब एक स्मॉल बिल्डिंग के अंदर पकड़ सकते हैं, स्मॉल ऑफिस पकड़ सकते हैं, एक बिल्डिंग, कंप्लीट बिल्डिंग पकड़ सकते हैं, या तो हम लोग देखते हैं साइबर कैफे, जो कि एक यहाँ पे भी अगर हम लोग देख सकते हैं, तो ये स्मॉल एक नेटवर्क डिफाइन किया जा सकता है। तो हम लोग इस तरीके के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग टेलीफोन लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी टेलीफोन लाइन दैट डजंट मीन्स कि हम लोग वो जो टेलीफोन का केबल आता है, जैसे कि पुराने टाइम में हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करें, हम लोग यहाँ पे कॉपर केबल, लैन केबल के बारे में बात करें। हम लोग उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम लोग रेडियो वेव्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो वेव्स मतलब क्या होता है, वाईफाई सिग्नल्स, वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क का डिस्टेंस कितना होता है, अभी कुछ कुछ बुक्स में उन्होंने 0 to 1 किलोमीटर दिया है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होता है, कुछ कुछ बुक्स में 0 to 2 किलोमीटर दिया है, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। इट डजंट मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है, जैसे ए से बी पर्सन के पास जाते हो, तो अगर आपका यहाँ पे 2 किलोमीटर कंप्लीट होता है, दैट डजंट मीन्स कि आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे,
ये अप्रोक्सीमेट होता है, शायद 2.10 भी हो सकता है या 2.20 भी हो सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, कोई इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बोलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, विच इज कॉल्ड एज अ मैन नेटवर्क। अभी मैन ये बुकिश में, बुकिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसको बोला गया है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग इस नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप बुक्स में देखते हो तो ये कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक ट्रेजिडी है, लाइक एक कन्फ्यूजन है जो कि जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जस्ट कंसिडर यहाँ पे मेरे पास एक लोकेशन है विच इज मुंबई लोकेशन, ओके। मुंबई लोकेशन वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ बेंगलोर लोकेशन, ओके। सो जब ये दोनों लोकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है सो ऑब्वियसली ये मेरा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। जैसे कि ये मुंबई कंपनी है, बेंगलोर की कंपनी है, दोनों कंपनी के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना मतलब दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को कम्युनिकेशन करना, हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अलग वे में सोचने की कोशिश करते, तो हम लोग सोचते कि मुंबई एंड बेंगलोर कंपनी के बीच में काफ़ी अच्छा बजट है, उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग फाइबर केबल ले कर देते, तो उन्होंने दोनों लोकेशन के बीच में फाइबर केबल ले कर दिया। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है, इन केस अगर मेरा फाइबर केबल कहीं पे ब्रेक हो गया, कहीं पे भी हो सकता है, लाइक जस्ट कंसीडर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 900 किलोमीटर है, सो जस्ट कंसीडर 300 किलोमीटर के ऊपर ब्रेक हो गया। अगर मुंबई से कोई साइट इंजीनियर 300 किलोमीटर जाता है तो उसको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर जहां पे फाइबर केबल ब्रेक हुआ है अगर वहां पे जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, अराउंड 300 किलोमीटर कवर करना है 4 to 5 hours लग जाएगा। 4 घंटे पहुंचने के बाद वो वहाँ पे क्या करेगा, वो चेक करेगा, रेक्टिफाई करेगा कि केबल में प्रॉब्लम है, लाइक जैसे कि फाइबर इंजीनियर होते हैं, अगर आपको फाइबर का किसी को नॉलेज होगा तो उनको पता है कि वहाँ पे एक OTDR करके डिवाइस यूज़ करते हैं केबल मतलब बाइंड वगैरह करने का काम, फिर वो रेंज वगैरह चेक करते प्रॉपर तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे कि नहीं, तो उन्होंने वो चेक किया और उसको रेक्टिफाई करते करते और 2 घंटा लग गया। सो अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 7 hours मेरा मुंबई टू बेंगलोर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो ब्रेक हो गया। मतलब ये इतना बड़ा डाउन टाइम कंपनी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ पे एक एक मिनट का भी उनको पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SLA। SLA मतलब क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये कंपनी के अंदर एक टर्म होती है, मतलब कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज होती है लाइक बैंकिंग सेक्टर। आज की डेट में मैं बताता हूँ, इन केस हम सभी लोग नेटवर्क नेट बैंकिंग चलाते हैं, राइट। अगर आपको किसी को पैसा सेंड करना है, लाइक जस्ट कंसीडर आपको किसी को 1 lakh rupees सेंड करना है, ठीक है, अगर आपको पता चलता है कि आपके बैंक का सर्वर 2 hours के लिए बंद हो चुका है या कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से चल नहीं रहा है, तो ये जो 2 hours बंद हो रहा है इसके लिए आपको नहीं बट बैंक को एक पर्टिकुलर कस्टमर जिनके पास से वो सर्विसेज वगैरह ले रही है, जैसे कि अभी XYZ कंपनी है वो बैंक के सेटअप बैंक का सर्वर यूज़ कर रही है, संभाल रही है, अगर उन्होंने 2 घंटे तक सर्वर को अप नहीं किया प्रॉपर तरीके से, उसको रेक्टिफाई नहीं किया इशू को, तो जो यूज़र्स है मतलब जो जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया है बैंक का, उनको पे करना पड़ता है एक अमाउंट, दैट अमाउंट विच इज़ कॉल्ड एज SLA, वो एक एग्रीमेंट होता है। अगर 1-2 minutes का डाउन टाइम है, 5 minutes का डाउन टाइम है तो वो चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होता है तो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी, ठीक है। कंपनी कभी भी एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे मुंबई टू बेंगलोर के बीच में कम्युनिकेशन, उनको ब्रेक नहीं होने देना है, तो उन्होंने सोचा कि फाइबर केबल लगाओ, लेकिन फाइबर केबल में भी प्रॉब्लम आ सकते थे, ब्रेक हो सकता था, तो इस तरीके की सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको रेक्टिफाई करने के लिए इंस्टेड ऑफ दिस फाइबर केबल उन्होंने सोचा कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मुंबई कंपनी ने एक सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट किया, जस्ट कंसिडर वो ABC सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, और बेंगलोर कंपनी ने वहाँ के एक सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट लिया जो कि है XYZ,
और विद द हेल्प ऑफ एक टेक्नोलॉजी आते हैं विच इज कॉल्ड एज एमपीएलएस टेक्नोलॉजी. हम लोग हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, बस इतना समझो कि दोनों कंपनीज ने एक आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प लिया ताकि मुंबई टू बैंगलोर एंड बैंगलोर टू मुंबई के बीच में कम्युनिकेशन हो सके. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सेम वही है, मुंबई टू बैंगलोर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. अभी ना तो मुंबई कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत है ना ही बैंगलोर की कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज अभी यहाँ पे ये जो बैंगलोर की कंपनी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है विच इज कॉल्ड एज अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. एंड मुंबई की कंपनी टू यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है. इन केस मुंबई टू यहाँ पे जो आईएसपी है, अगर इसके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है और बैंगलोर में भी सेम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इन दोनों कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुंबई की कंपनी के जो ओनर है, मुंबई कंपनी के जो एम्प्लॉय है, वो यहाँ के आईएसपी को बोलेंगे कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. सो नेक्स्ट टास्क इज आईएसपी. सो आईएसपी के पास काफ़ी सारे राउट्स होते हैं, काफ़ी सारे राउटिंग्स होते हैं उनके राउटर्स के अंदर. सो वो लोग जल्द से जल्द तरीके से इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल वर्क. जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि अगर मेरा फिजिकली वर्क होता है, फाइबर ब्रेक हो गया और ये मेरा फिजिकल टास्क हो गया, तो ये सिचुएशन और जो अभी का सिचुएशन है आईएसपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. और सेकंड थिंग, यहाँ पे रिजॉल्व इशू रिजॉल्व होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, इस तरीके के सिनेरियो के ऊपर आ गया. बट यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया था कि मुंबई टू बैंगलोर कम्युनिकेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को कम्युनिकेशन करना, विच इज़ कॉल्ड एज अ मैन नेटवर्क. ओके, बट यहाँ पे अगर मैं सिनेरियो देखता हूँ, यहाँ पे भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं. लेकिन अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूँ, तो बुकिश लैंग्वेज में उन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया है 10 to 100 किलोमीटर तक की. मतलब अगर मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बात करूँ, तो इसका रेंज है 10 to 100 किलोमीटर. और यहाँ पे मैंने जो रेंज के बारे में बात किया था वो था 900 किलोमीटर. सो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूँ, तो यहाँ पे 10 to 100 और यहाँ पे 900 किलोमीटर एक्चुअल में. सो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएगा या वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा, बताओ, कोई बता सकता है? हेलो, इज देयर एनीवन? ओके, यस, ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही बताता हूँ. सो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने सिचुएशन देखा, ये एक्चुअल में वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे जिस तरीके का बुकिश कंसेप्ट दिया गया है, तो आई डोंट थिंक सो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क है वो 10 to 100 किलोमीटर के अंदर. ठीक है, 10 to 100 किलोमीटर के अंदर है, कंसेप्ट सही रहेगा. बट प्रॉब्लम इज, जब ये लोग बात करते हैं दो या दो से ज़्यादा सिटीज़ को कम्युनिकेशन करना, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं मुंबई टू पुणे के बीच में भी डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो अराउंड 150 किलोमीटर्स पड़ता है. सो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैच होता था, कहीं ना कहीं मैच नहीं भी होता था. तो आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम लोग बुकिश लैंग्वेज में देख नहीं पाते. ठीक है, सो हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है विच इज़ कॉल्ड एज अ वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क इज सेम, यहाँ पे अगर मैं बुकिश लैंग्वेज के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे बोला है उन्होंने जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन. जैसे कि अगर मुझे इंडिया से कम्युनिकेशन करना है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऐसे दो डिफरेंट लोकेशन को कम्युनिकेशन करना विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कम्युनिकेशन करना. सो दैट इज़ पॉसिबल, वी कैन कॉल इट एज अ वाइड एरिया नेटवर्क. इसका कोई ऐसा रेंज और लिमिटेशन नहीं होता है, हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट, कुछ पूछना है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करें. यस सर, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क डिवाइसेस. अभी जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी सारे टाइप्स के नेटवर्क डिवाइसेस देखे हैं मार्केट में, कुछ डिवाइसेस हैं जो मार्केट में अभी देखने को नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हब डिवाइस क्या होता है. ठीक है, सो हब ये डिवाइस ये फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है, अभी जो OSI होता है, OSI इज अ मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. OSI के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन सेशन सेशन लेयर सेशन ट्रांसपोर्ट हेलो ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ ओके सो यहाँ पे टोटल 7 लेयर होती है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर ठीक है तो यहाँ पे मैंने जो लेयर 7 से स्टार्ट किया है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से होता है और जो हमारे पास लेयर 1 होता है विच इज कॉल्ड एज अ फिजिकल लेयर अभी फिजिकल लेयर क्या होता है यहाँ पे ओनली दो ही लैंग्वेज समझ में आती है जो कि होता है बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1 0 इट मीन्स ऑफ बिट एंड 1 इट मीन्स ऑन बिट ठीक है तो हम लोग इसके बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे इसके बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में बात करने वाले अभी क्या होता है जो हब एक जो डिवाइस होता है ये काफ़ी पुराने समय में आता था ठीक है इनिशियली जस्ट कंसिडर एक कंपनी थी काफ़ी पुराने टाइम में 1983 के दौरान में तो 1983 के दौरान में ABC नाम की एक कंपनी थी तो कंपनी ने सोचा कि हमारे पास 4 यूज़र हैं 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से मेरे पास 4 यूज़र्स हैं सो कंपनी सोचती है कि ये जो चारों यूज़र्स हैं वो चारों यूज़र्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए उनको ऐसे डिवाइस की ज़रूरत थी जहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके सो दे केम विथ अ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड एज अ हब सो हब के साथ उन्होंने सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया हब ये जो डिवाइस होता है इसके ऊपर भी RJ45 पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जिसको हम लोग लैन पोर्ट बोलते हैं और उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल इथरनेट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 8 पोर्ट देखा है मैंने लास्ट टाइम जो मैंने हब डिवाइस देखा था वो 8 पोर्ट का था लेकिन मैंने सुना है अराउंड 16 पोर्ट तक हब डिवाइस होता है सबसे पहली चीज हब ये डिवाइस वर्क कैसे करता है ठीक है हब यूज टू डू द ब्रॉडकास्ट हब ये ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है इसको हम लोग सिंगल ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी बोलते हैं अभी सिंगल ब्रॉडकास्ट डिवाइस क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं उसके पहले हमारे पास जो 4 यूजर PC है मैं इसको एक IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ 10.1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ठीक है ये 4 है जैसे कि अगर 1.1.10.1.1.1 को 1.3 के साथ कम्युनिकेशन करना है जब ये अपना ट्रैफिक लेके हब ये डिवाइस के पास जाएगा सो हब ये डिवाइस क्या करता है ये ब्रॉडकास्ट करता है ब्रॉडकास्ट करता मतलब क्या करता है ये अपना ट्रैफिक 1.2 के पास भेज देगा 1.3 के पास भेज देगा 1.4 के पास भी भेज देगा ठीक है ये अपना ट्रैफिक सभी को भेज देगा मतलब ब्रॉडकास्ट करने का काम करेगा बिकॉज ये डिवाइस इतना इंटेलिजेंट डिवाइस ने उसको नहीं समझ में आता कि मुझे 1.3 के पास ही जाना है उसको बस इतना समझ में आता है कि मुझे ब्रॉडकास्ट करना है मेरा ट्रैफिक आएगा अगर मुझे किसी ने मतलब हब डिवाइस को पता है कि अगर मुझे किसी ने ट्रैफिक शेयर किया है मेरा काम है सभी को ब्रॉडकास्ट करने का वो सभी इंटरफेस के ऊपर सभी यूजर्स के पास ब्रॉडकास्ट कर देता है ठीक है विच इज वेरी लेस टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी अभी साइबर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इसको लेस सिक्योर डिवाइस क्यों माना जाता है इसके पीछे में भी रीजन है जस्ट कंसिडर करो यहाँ पे जो 10.1.1.1 ये HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है एंड 1.3 ऑल्सो बिलोंग टू द HR डिपार्टमेंट ठीक है अभी कंपनी में जो HR डिपार्टमेंट होता है मोस्टली वो फाइनेंस में डील करता है सैलरीज में डील करता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियल इन द सेंस कि वो चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है तो HR एंड HR के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनको लगता है कि ये बाकी के जो यूजर्स है 1.2 एंड 1.4 ये जस्ट कंसिडर दिस इज द प्रोग्रामर एंड दिस इज द IT गाय ठीक है उनको लगता है प्रोग्रामर एंड IT गाय को इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करते बट जब ये 1.3 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था फर्स्ट HR थर्ड HR 1.3 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था तो ये हब डिवाइस ने क्या किया वो डेटा ट्रैफिक 1.2 एंड 1.4 के पास भी भेज दिया मतलब 1.2 को उसकी ज़रूरत नहीं थी एज वेल एज 1.4 को भी उसकी ज़रूरत नहीं थी बट यहाँ पे उन्होंने वो डेटा ट्रैफिक भेज दिया जिसके वजह से एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गया इसीलिए हम लोग हब ये जो डिवाइस है इसको साइबर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग लेस सिक्योर डिवाइस माना जाते हैं सेकंड थिंग जैसे कि मैंने बताया हब ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डिवाइस है ये सिंगल कोलिजन डिवाइस भी है अभी सिंगल कोलिजन का मतलब क्या है सिंगल कोलिजन इन द सेंस 1.1.1.1, 10.1.1.1 ये 10.1.1.3 के साथ कम्युनिकेशन करते समय इन केस इनका डेटा पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डिंग हो गया
बम्बार्डिंग हो गया मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइस डाउन हो जाएगा। यहाँ पे 1.2 एंड 1.4 का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तो बोलते कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन पूरा का पूरा डिवाइस डाउन हो गया, अभी हम लोग भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसको मैं रियल एग्जांपल से थोड़ा जोड़ता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जस्ट कंसिडर ये मेरे पास रोड है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो वन वे डिरेक्शनल रोड है, वन वे मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो रॉन्ग साइड भी आते हैं। तो एक लड़का था वो रॉन्ग साइड आ गया, रॉन्ग साइड आने के बाद क्या हो गया, ये पर्सन और इसके बीच में एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होके पूरा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम होने की वजह से क्या हो गया, ये जो बाकी के यूजर्स थे, बाकी के जो लोग थे, ये तो बोलते हैं कि यार हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हम तो अच्छे तरीके से अपनी बाइक चला रहे थे, लेकिन जिनके बीच में एक्सीडेंट हुआ उनके वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क जाम हो गया, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके वजह से ये सब चीज़ें बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ गया, ठीक है। सेम एज यहाँ पे 10.1.1.3 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, इनके बीच में डेटा पार्टिकल कोलाइड हो गए, जिसके वजह से ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस पूरा का पूरा डाउन हो गया, जिसके वजह से 1.2 एंड 1.4 को भुगतना पड़ा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। इसीलिए हब ये डिवाइस सिंगल ब्रॉडकास्ट डिवाइस एंड सिंगल कोलिजन डिवाइस भी कहलाया जाता है, ओके ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हब। हब में कोई डाउट है, कुछ पूछना है? Okay, let's jump to the next device, which is called as a switch. अभी switch, काफ़ी सारे यहाँ पे सेशन में नेटवर्क इंजीनियर्स कनेक्टेड है मेरे साथ, तो उन्होंने पता ही, उनको पता ही होगा कि स्विच डिवाइस क्या होता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि स्विच किस तरीके से वर्क करता है। ये मेरे पास डिवाइस है जो कि है स्विच। काफ़ी सारी कंपनीज है, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्विचेस आते हैं, जैसे कि सिस्को कंपनी के स्विचेस आते हैं, सिस्को में कैटलिस्ट एंड नेक्सस सीरीज के स्विचेस आते हैं, जूनिपर कंपनी के आते हैं, एक्सट्रीम कंपनी के आते हैं, हुआवे कंपनी के भी आते हैं, नोकिया कंपनी थी उनके भी स्विचेस आते थे, ठीक है, उनके राउटर भी आते हैं आई गेस, मुझे राउटर के बारे में श्योर नहीं हो, बट स्विचेस आते हैं, एक्सट्रीम कंपनी के भी स्विचेस आते हैं। तो स्विचेस का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, कोई भी कंपनी का स्विच लो, वर्किंग तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्विच, ये जो डिवाइस है, ये मार्केट में हब के बाद आया। सेम एज यहाँ पे मैं कुछ यूज़र कनेक्ट कर देता हूँ, 10.1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है, 10.1.1.1 को 1.3 के साथ कम्युनिकेशन करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जब फर्स्ट टाइम जाएगा स्विच के पास, यहाँ पे भी वो ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। ब्रॉडकास्ट करने का काम मतलब, ये अपना ट्राफिक फर्स्ट इंटरफेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है सभी को अपना ट्रैफिक दे देगा, शेयर कर देगा, ठीक है। मतलब ये सेम एस हब की तरह तो वर्क कर रहा है, लेकिन स्विच डिवाइस को इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। तो अभी इस डिवाइस को इंटेलिजेंट क्यों बोला जाता है, इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो इसको हब के मुकाबले डिफरेंट करता है? तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, हब ये जो डिवाइस, हब ये डिवाइस फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता था, लेकिन अगर मैं स्विच डिवाइस के बारे में बात करूँ तो स्विच डिवाइस मेरा डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर मतलब लेयर टू। स्विच ये डिवाइस को ओनली मैक एड्रेस समझता है, इसको आईपी एड्रेस नहीं समझ में आता। अभी मैं यहाँ पे जिस स्विच के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास L2 स्विच है, मैं L2 स्विच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो L2 स्विच हमेशा मैक एड्रेस को समझता है। फिलहाल तो L3 स्विचेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, L3 स्विचेस जो होते हैं जो आईपी एड्रेस एंड राउटिंग को भी समझने का काम करते हैं, अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करते। सो ये मेरे पास L2 स्विच है, L2 स्विच जॉइन मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 पोर्ट्स का स्विच आता है, 128 पोर्ट का स्विच आता है, उसके ऊपर भी हमें पोर्ट्स चाहिए तो हम लोग नेक्सस सीरीज के स्विचेस भी यूज़ कर सकते हैं, 2K, 5K, 9K, 7K, काफ़ी सारे स्विचेस हैं, हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच ये डिवाइस काफ़ी सिक्योर डिवाइस माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चीज़ें हम लोग कॉन्फिगर कर सकते हैं, लाइक हम लोग बेसिक कॉन्फिगरेशन भी कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले, बेसिक चीज़ें किस तरीके से अंदर कॉन्फिगर करना है, किस तरीके से कंसोल पासवर्ड वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग स्विचिंग के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, ये जो डिवाइस है ये हब के मुकाबले इंटेलिजेंट कैसे है, बिकॉज स्विच ए ओनली फर्स्ट टाइम, अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूँ तो ये ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद ये यूनिकास्ट करता है, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर ना एक टेबल जनरेट होता है विच इज कॉल्ड एज अ आर्प टेबल,
एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी ठीक है, हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं आर्ट टेबल क्या होता है, और थोड़ा बहुत मैं एक इजी वे से बताने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर मैं उसी वे से बताऊँगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे कि आर्ट टेबल क्या होता है। अभी क्या होता है, जस्ट कंसिडर ये मेरे पास स्विच है, स्विच के ऊपर 5 यूजर्स कनेक्टेड है, 1.1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, एंड इसका मुझे यूजर, इसका मुझे मैक एड्रेस नहीं पता है, तो मैं इसलिए FFF लिख रहा हूँ, और इसका IP एड्रेस 1.5 कंसिडर कर लेता हूँ। इसका मैक एड्रेस AAA, BBB, CCC, DDD, इस तरीके से मैं इसका मैक एड्रेस समझ लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आर्ट टेबल के बारे में बात करता हूँ। क्या होता है, जब भी हमारे पास स्विच या डिवाइस रहता है तो हमेशा यहाँ पे चार चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज अ सोर्स आईपी एड्रेस, सेकंड वन इज अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, थर्ड वन इज अ सोर्स मैक एड्रेस, एंड नेक्स्ट वन इज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे 1.1.1 को 1.5 के साथ कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, लेकिन 1.5 का जो मैक एड्रेस है उसको पता नहीं, तो हमेशा ये जो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है उसको हम लोग FFF बोलते हैं, वो एक्चुअल में मैक एड्रेस नहीं, वो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। एक्चुअल में जस्ट कंसिडर इसका मैक एड्रेस है XXX। ठीक है, सो इसका मैक एड्रेस ये है, बट इसने अभी तक 1.1.1.1 को शेयर नहीं किया, बताया नहीं है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बताया स्विच फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद वो यूनिकास्ट करता है। तो अभी हम लोग समझते कि जब इसने अपना ट्राफिक 1.1 के पास भेजा, 1.1 ने अपना ट्राफिक स्विच के पास भेजा, स्विच ने वो ट्राफिक सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको भेज दिया। तो यहाँ पे हम लोग समझते तो 1.1.1 को 1.5 के साथ कम्युनिकेशन करना है, लेकिन 1.1.1 के पास 1.5 का मैक एड्रेस नहीं है। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। फिर से एक बार बताता हूँ, 1.1.1.1 को 1.5 के साथ कम्युनिकेशन करना है, लेकिन 1.1.1 को खुद का मैक एड्रेस पता है, लेकिन 1.5 का मैक एड्रेस नहीं पता है, जो कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस हो गया मेरा 1.1.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसका 1.1.1.5। ठीक है, सोर्स को सोर्स मैक एड्रेस पता है विच इज AAA, एंड डेस्टिनेशन उसको डेस्टिनेशन नहीं पता है। ठीक है, उसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो इसलिए वो FFF करके जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले जब इसने अपना डेटा ट्रैफिक स्विच के पास भेजा, ये तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, लेकिन मैं प्रोसेस बताता हूँ। ये गया सबसे पहले 1.2 के पास, तो इसने 1.2 को पूछा, मतलब 1.1.1.1 1.2 के पास गया, और इसने उसको पूछा क्या तेरा मैक एड्रेस FFF है। तो 1.2 बोलता है नहीं, मेरा मैक एड्रेस FFF नहीं है, लेकिन तू जिस आईपी एड्रेस के लिए आया है वो आईपी एड्रेस मुझे बता। ठीक है, तो 1.1.1.1 ये बोलता है मुझे जो आईपी एड्रेस के पास जाना है वो है 1.1.1.5। तो 1.2 फिर से रिप्लाई करता है नहीं, मेरा आईपी एड्रेस है 1.1.1.2, एंड जो मेरा मैक एड्रेस है वो है BBB। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, एक दूसरे की डिटेल मिल गई, मतलब एक दोनों दूसरे को इंट्रोडक्शन कर दिया। तो यहाँ पे 1.1.1.1 ये किसके पास जा रहा था FFF, तो उसको रास्ते में मिल गया 1.2, तो इसने 1.1.1.2 के साथ बात कर ली, और 1.2 का जो मैक एड्रेस है उसने उसका इन्फॉर्मेशन भी ले लिया विच इज़ BBB। ठीक है, तो इस तरीके से उसको उसका डिटेल मिल गया। सेम एज 1.1.1.1 विच इज़ AAA, इसको जाना था FFF के पास, तो उसको रास्ते में ये यूज़र मिल गया। ठीक है, तो इसने उसको पूछा कि क्या तेरा मैक एड्रेस FFF है। तो 1.3 फिर से 1.1 को पूछता है नहीं, मेरा मैक एड्रेस FFF तो नहीं है, लेकिन तू जिस आईपी एड्रेस के लिए जाना चाहता है वो आईपी एड्रेस बता। तो ये बताता है मैं 1.1.1.5 को 5 के पास जा रहा हूँ। तो 1.3 उसको रिप्लाई देता है नहीं, मेरा आईपी एड्रेस जो है वो है 1.1.1.3, और जो मेरा मैक एड्रेस वो है CCC, तो रॉन्ग पर्सन के पास आ गया। तो इस तरीके से उसको उसका भी डिटेल मिल गया। सेम एज वो 1.1.1.1 1.4 के पास जाता है, और सेम उसी तरीके से उसका मैक एड्रेस मिल जाता है उसको DDD। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी यहाँ पे और एक चीज़ समझना है, जब ये 1.1.1.1 1.5 के पास जाता है जो कि एक्चुअल है, तो वो उसको पूछता है कि क्या तेरा मैक एड्रेस FFF है।
तो 1.5 1.1 को रिप्लाई देता है, नहीं मेरा मैक एड्रेस FFF तो नहीं है, लेकिन तू जिस आई पी एड्रेस के लिए आया है वो आई पी एड्रेस मुझे बता। तो 1.1 उसको रिप्लाई देता है कि मैं 1.1.1.5 के पास आया हूँ, ठीक है। तो ये तो बोलता है 1.5 बोलता है कि यार तू आई पी एड्रेस तो बराबर लेके आया, लेकिन तेरे पास मैक एड्रेस का डिटेल गलत है। मेरा आई पी एड्रेस है 1.1.1.5 और जो मेरा मैक एड्रेस है वो है XXX, ठीक है। इस तरीके से वो अपने टेबल में, मतलब ये जो टेबल है ये स्विच के अंदर ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाता है, जो हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। जैसे उसके पास ये टेबल एस्टेब्लिश हो जाता है, ये टेबल उसको मिल जाता है, तो ये सिचुएशन के अंदर सबसे पहले उसने जो ब्रॉडकास्ट किया था, ब्रॉडकास्ट करने के अकॉर्डिंग उसको ये सब चीज़ें डिटेल मिल गई, ठीक है। अभी उसके बाद 1.1 को 1.3 के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उसको यहाँ पे स्विच पे जाके ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज क्या होता है, 1.1 को अगर 1.3 के पास जाना है तो डायरेक्टली वो ये वाला टेबल चेक करता है, तो ये बोलता है अच्छा 1.1 1.3 ओके, मतलब AAA से CCC के पास जो मैक एड्रेस है, तो वो डायरेक्टली 3 के पास चला जाता है। सो ये होता है इनिशियली ब्रॉडकास्ट करने का काम, और उसके बाद करता है यूनिकास्ट मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन। गॉट इट? यहाँ पे कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? हेलो, यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस राज शर्मा, राइट? यस सर, यस सर। आप बोल कि आप आर्प वी टू लर्न मैक एड्रेस, राइट? यस यस, बट सर ग्रेसियस आर्प का फीचर में आता है जो, बिकॉज मैंने एक जगह देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि ग्रेसियस, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेसियस आर्प की वजह से भी स्विच ऑलरेडी मैक एड्रेस लर्न कर लेता है। So I need to ask about that, sir. क्योंकि वो भी कैसा होता है, sir? क्योंकि I got your point. Okay. I got your point. Thank you, sir. So thank you, Raj, for asking this question. See, क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ना मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपको डिफाइन करता हूँ, तो आपका ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं दूसरे स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। क्या आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हो? यस सर, यस सर, यस सर। या ये जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ, ये पैकेट ट्रेसर टूल है। बेसिकली ये टूल का अगर किसी को पता नहीं है होगा तो मैं बता देता हूँ। ये टूल का यूज हम लोग CCNA लेवल के प्रैक्टिकल्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट कंसीडर करो कि मेरे पास एक स्विच है, स्विच के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल यूजर पीसेस कनेक्टेड है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, करेक्ट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है ये मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, और स्विच कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उसका मैं एक इंटरफेस दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं कुछ स्विच इस तरीके से देखने को मिलता है। ये सिस्को का कैटलिस्ट सीरीज का स्विच है, इसके अंदर 24 पोर्ट्स है, जो हम लोग देख सकते हैं 2960 मॉडल है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले, मेरे पास यूजर पीसी है, सभी को आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। आईपी एड्रेस असाइन करना काफ़ी आसान है, 1.1.1.1, ठीक है। सेम आईपी एड्रेस असाइन करा, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1.1.1.2 1.1.1.3 एंड द लास्ट वन इज 1.1.1.4। सो यहाँ पे जैसे कि राज ने बताया कि स्विच ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको करना चाहिए, करेक्ट? दैट्स अ करेक्ट वन, ओके। बट यहाँ पे जब मैं स्विच को लॉग इन करता हूँ, तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड यूज करता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल तो बाकी मैक एड्रेस नहीं आ रहे, बिकॉज अभी तक यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो मैंने फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी किया, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोटोकॉल चलते हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। लेकिन जब मैं यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल करता हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई भी मैक एड्रेस का डिटेल नहीं मिल रहा है। ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक यूज़र पीसी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास अपना ट्रैफिक लेके नहीं पहुँचाएंगे। जब यूज़र वन ये स्विच के पास जाएगा, मतलब अगर मैं यूज़र वन से 2, 3 एंड 4 यूज़र को कम्युनिकेशन करता हूँ, तो ये सिचुएशन के अंदर ही ये स्विच
ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस टेबल जनरेट कर लेगा। तो ये बैकएंड में होता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलता, ये बैकएंड होता है। तो मैं भी एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैक एड्रेस टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ यूजर वन से, पीसी वन से पिंग करता हूँ 1.1.1.2, जिसको पिंग हो रहा है। हमेशा जब मैं पीसी से पिंग करता हूँ तो चार पैकेट जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, विच इज़ अ 32 बाइट। थर्ड यूजर को पिंग कर रहा हूँ, उसको भी हो रहा है। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ कंट्रोल सी से। 1.4 को भी पिंग करता हूँ, मतलब सभी को पिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखो इसके पास चारों का डिटेल मिल गया, ठीक है, इस तरीके से डिटेल मिल गया। तो वो इस तरीके से करता है बिकॉज इनिशियल लेवल पे ब्रॉडकास्ट करता है। अभी यहाँ पे ना हम लोग और इसका जो बैकएंड में डिटेल्स है, लाइक जो डीबगिंग वगैरह होते, वो तो अभी फिलहाल नहीं देख सकते। इसके बारे में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे। हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन समझ रहे कि एग्जैक्टली स्विच किस तरीके से वर्क करता है। ओके राज, ओके सर, या थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा एक कंफ्यूजन था सर कि बिकॉज क्या था ना कि वो मैं कहीं पढ़ा था साइट में कि वो स्विच और राउटर सीडीपी से भी मैक एड्रेस लर्न करता है, और जैसे स्विच हो गया आपका गैसियस आपसे भी लर्न कर सकता है, ठीक है सर। और उसमें yes. लिखा था कि जैसे ही एज सून एज हम लोग पीसी में आईपी डालते हैं, उसी समय गैसियस आर ब्रॉडकास्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट जब करता है तो स्विच लर्न कर लेते हैं। तो वही एग्जैक्टली वो करेक्ट है। अगर हम लोग रियल प्रोडक्शन लेवल पे काम करेंगे ना, तो ब्रॉडकास्ट करेगा, जब भी ब्रॉडकास्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली आर्प जनरेट कर लेगा। सेकंड थिंग अबाउट द सीडीपी, सीडीपी क्या होता है? सीडीपी इज अ सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सीडीपी क्या काम करता है? सीडीपी हमेशा तुम्हारा नेबर डिवाइस कौन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ही विल नॉट गिव द अनदर इन्फॉर्मेशन। ओके, उससे डेटा कलेक्ट करना, दैट इज द डिफरेंट थिंग, जो कि मतलब एक राउटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर हम लोग स्विच, अभी जैसे कि राउटर के बारे में बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि राउटर पे हम लोग मैक एड्रेस नहीं देख सकते, बट दैट्स नॉट ट्रू। हम लोग राउटर के ऊपर भी मैक एड्रेस देख सकते हैं, वो पॉसिबल होता है, जिसके लिए अंदर शो आईपी आर्क करके टेबल आता है। तो हम लोग अगर वो मारते तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। सो दैट्स अ लिटिल बिट डेप्थ कॉन्सेप्ट, या हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे इन फ्यूचर डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच, मैं सेकंड वाले सीन के ऊपर जंप करता हूँ। ओके राज, या थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अंडरस्टैंड किया वो है स्विच, ठीक है। तो स्विच डिवाइस जो है हमारे पास वो L2 डिवाइस है, जो कि लेयर 2 के ऊपर काम करता है, मल्टीपल इथरनेट डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, सिक्योर डिवाइस है, इसके अंदर हम लोग सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिक्योरिटी इन द सेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग स्विच के बारे में समझ लेते हैं, और जिसके अंदर स्विच के अंदर आते हैं टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ स्विचेस, स्विचेस के अंदर दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ अनमैनेजेबल एंड द सेकंड वन इज अ मैनेजेबल। अभी अनमैनेजेबल स्विचेस क्या होते हैं? अनमैनेजेबल स्विचेस के लिए नो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, मतलब ये एकदम बेसिक लेवल के स्विचेस होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग साइबर कैफे या हमें होम नेटवर्क डिजाइन करना है, होम नेटवर्क में गैप डिजाइन करना है, तो हम लोग मार्केट से जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर हमें डी लिंक या टीपी लिंक कंपनी का अनमैनेजेबल स्विचेस दो। इट्स जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव टाइप ऑफ स्विचेस। पेन ड्राइव कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? प्लग एंड प्ले, सेम उसी तरीके से ये स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 8 पोर्ट्स होते हैं, 8 पोर्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं, 8 इंटरनेट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं बेसिक कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले सकते, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सिंपल मार्केट से लेके आओ, सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करो और यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ये डिवाइस का यूज़ होता है हमें बेसिक कनेक्टिविटी के लिए और नेटवर्क एंड लैब्स क्रिएट करने के लिए, और लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा इसके लिए स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं। हमें मार्केट में 500 या 1000 रुपीज़ में आसानी से अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का स्विच हमें मिल जाता है, ठीक है। वॉट अबाउट मैनेजेबल स्विचेस? अभी मैनेजेबल स्विचेस क्या होते हैं? मैनेजेबल स्विचेस इज अ कॉन्फिगरेबल स्विचेस, ठीक है। इट इज़ मोर सिक्योर स्विचेस, जो लैंड ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक 40-50,000 से स्टार्ट होके 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक हमें स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोला गया है। जैसे कि आप देख सकते हो
ये जो मेरे पास स्विच है ये मेरे पास मैनेजेबल स्विच है। अभी ये जो मैनेजेबल स्विच है इसके अंदर ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पे मैं रीलोड कर रहा हूँ, रीलोड करने के बाद ये जब स्विच बूट हो रहा है, बूट हो रहा है, ये जो हैशिंग प्रोसेस दिख रहा है इतने से बूटिंग, तो ये बूट हो रहा है। एक्चुअल अगर मैं रियल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो अगर हमारे पास कैटलिस्ट स्विचेस है तो 4 से 5 मिनट लेता है, अगर हमारे पास नेक्सस स्विच है 10 से 13 मिनट तक लेता है बूटिंग होने का समय। लेकिन हमारे पास अभी पैकेट टेस्टर है, पैकेट टेस्टर में काफ़ी आसानी से और जल्दी से हो जाता है, अभी तक तो ये बूट भी हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसके वजह से क्या हो गया, कोई अननोन यूज़र अगर मेरे ये स्विच का एक्सेस लेने की कोशिश करता है तो वो मतलब यहाँ पे देख सकता है, उसको डायरेक्टली एक्सेस मिल गया यूज़र मोड का, और यहाँ पे वो आगे के कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, पॉसिबल है। मतलब क्या कर सकता है, अगर मैंने इस स्विच के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, लाइक विलियम का कॉन्फ़िगरेशन किया है, ट्रंकिंग का कॉन्फ़िगरेशन किया या इंटर विलियम किया, वॉट एवर कोई भी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन किया, वो उसको चेंज कर सकता है। तो मुझे लगता है ये स्विच सिक्योर्ड है, तो इसको मुझे पासवर्ड दे सकता हूँ, बिकॉज फिक्स जो स्विच बोला है मैंने, फिक्स स्विच, तो वो तो स्विच सिक्योर नहीं है। तो फिक्स स्विच कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में लाओ, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आसानी से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरे पास है मॉड्यूलर स्विच। अभी यहाँ पे मैं एक पासवर्ड असाइन करता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग टेक्निकल और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में नहीं जा रहे, लेकिन स्टिल मैं एक थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पासवर्ड किस तरीके से सेट करते हैं कंसोल का, और कंसोल क्या होता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंसोल मतलब क्या होता है, हर डिवाइस के पीछे में एक कंसोल पोर्ट होता है। यहाँ पे इस स्विच के पीछे में तो नहीं दिख रहा है, बट रियल डिवाइस स्विचेस के बीच में होता है पीछे में, तो अभी यहाँ पे तो नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं राउटर के ऊपर दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास 2811 सीरीज का राउटर। अगर इसको जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास पोर्ट है। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो? हेलो हेलो या ओके कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ बिकॉज वॉइस नहीं आ रही है। ओके अभी वॉइस आ रही मेरी क्लियर सबको? हेलो या ओके थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरे पास राउटर है, इस राउटर के ऊपर एक कंसोल पोर्ट है। अभी क्या होता है, अगर हमारे पास नया स्विच है या नया राउटर है या फायरवॉल है, कोई भी नया डिवाइस है, तो हम लोग, हमारे पास अगर ये कुछ इस तरीके के नए डिवाइसेस है, तो हम लोगों को उसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इनिशियल लेवल पे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमेशा कंसोल पोर्ट लगा, कंसोल केबल लगा के ही होगा। अभी कंसोल केबल काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं मार्केट में। हमारे पास अगर सिस्को के डिवाइसेस है तो हम लोग देख सकते हैं सिस्को बॉक्स के साथ, मतलब सिस्को डिवाइसेस के बॉक्स के साथ हम लोग कंसोल केबल भी देखने को मिल जाता है, जो कि बॉक्स के साथ आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो एक एंड होता है वो यहाँ पे कंसोल पोर्ट में लगेगा, और जो दूसरा एंड रहेगा वो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर लगेगा। उसके बाद आपको जाना है डिवाइस मैनेजर के अंदर। डिवाइस मैनेजर में जाओगे तो आपको यहाँ पे, जैसे आप कंसोल केबल कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक कॉम पोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे COM3 COM4 कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप मतलब लाइक ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे USB 3.0 लिखा है, उस तरीके से यहाँ पे COM3 COM4 देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक पुट्टी करके सॉफ्टवेयर आता है, आपको वो डाउनलोड करना है। ये लाइक 2 या 3 MB का सॉफ्टवेयर है, हम लोगों को इजीली पोस्ट मिल जाता है। इसमें जो लास्ट ऑप्शन आता है सीरियल, इसके ऊपर क्लिक करना है। सेम है इसी तरीके से, अगर मुझे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में COM4 COM5 देखने को मिलता है तो मुझे यहाँ पे COM5 लिखना है और उसके बाद ओपन करना है। ओपन करूँगे तो क्या होगा, आपको ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है उसका एक्सेस मिलेगा, और उसका एक्सेस जो मिलेगा वो CLI मोड में रहेगा। CLI क्या होता है, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन मोड, इसको CLI बोलते हैं।
और एक होता है जीयूआई। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी धीरे धीरे सीएलआई से लोग जीयूआई के ऊपर जंप कर रहे, बट अगर एज अ नेटवर्क इंजीनियर की बात करते हो तो आपको सीएलआई मोड पे प्ले करना आना चाहिए, सीएलआई मोड के ऊपर कॉन्फिगरेशन करना आना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे हम लोग बात कर दे कॉन्फिगरेशन की, सिक्योर कॉन्फिगरेशन। सिक्योर मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कंसोल को कॉन्फिगर कैसे करना वो बताता हूँ। लाइन कंसोल जीरो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको पूरा आगे का कमांड देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हो तो आपको ये बताता है कि आप कंसोल कॉन्फिगर कर सकते हो या वर्चुअल टर्मिनल कॉन्फिगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंसोल कॉन्फिगर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज पासवर्ड। तो पासवर्ड में सिस्को डाल देता हूँ एंड लॉग इन, ये इंपॉर्टेंट कमांड है। इसको राइट करता हूँ, राइट करने के बाद मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैं रिलोड करता हूँ, रिलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज के ऊपर फोकस करना है। इसके पहले में क्या हुआ था, जैसे मैंने इसको रिलोड किया था इसने डायरेक्टली मुझे एक्सेस दे दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे वो एक्सेस नहीं दे रहा है, इसके पीछे में रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने अभी पासवर्ड सेट किया है। अगर जिसके पास पासवर्ड है वही इसको लॉग इन कर पाएगा, जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो इसको लॉग इन नहीं कर सकता। ये एक बेसिक सिक्योरिटी, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलनेट भी एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिलहाल तो कॉन्फिगरेशन पार्ट में नहीं जा रहे, सो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि एक्जैक्टली किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द स्विचेस। तो अभी हम लोग जंप करते राउटर के ऊपर। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ राउटर। सो राउटर ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस L3 डिवाइस करके कहलाता है। L3 डिवाइस मतलब ये OSM नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। अभी नेटवर्क लेयर क्या होता है, यहाँ पे हमेशा IP राउटिंग इसका यूज होता है। अभी ये जो राउटर डिवाइस है, राउटर इज अ L3 डिवाइस। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज है, लाइक सिस्को कंपनीज है, नोकिया, हुआवे, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके खुद के राउटर्स आते हैं। तो राउटर का काम क्या होता है, राउटर का काम होता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम। जैसे कि अगर मेरे पास एक राउटर है, यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस है ABC और यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस है XYZ, सो इसके बीच में एक नेटवर्क है 192.168.1.0 और यहाँ पे है 192.168.2.0। ठीक है, 1.0 ये नेटवर्क को 2.0 इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है। सो इन दोनों के बीच में मुझे एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो ये दो नेटवर्क को जोड़ेगा, तो वो डिवाइस है मेरे पास राउटर। अभी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ राउटर? नो, राउटर के ऊपर हमें कुछ फीचर चलाने पड़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स, RP, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग इन दोनों नेटवर्क को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इन द नेटवर्क। जैसे कि हम लोग ऑफिस में जाते हैं, जैसे कि हमें बोला गया कि ऑफिस में 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, दैट्स मीन्स वो एक प्रोटोकॉल सेट करके रखा है कि आपको 9 बजे जाना ऑफिस है, दैट्स द प्रोटोकॉल। आपका 6 बजे ऑफिस कंप्लीट होता है, दैट्स मीन्स वो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। ऐसा नहीं होता कि ऑफिस में बताया कि 9 बजे आना है और आप चले गए 12 बजे, इस तरीके से होता है, हर एक का प्रोटोकॉल होता है। सेम है राउटर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो प्रोटोकॉल्स राउटर के ऊपर चलते हैं इसलिए हम लोग उसको राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अभी जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ये मोस्टली दो टाइप्स में देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज अ IGP राउटिंग प्रोटोकॉल एंड द सेकंड वन इज अ EGP राउटिंग प्रोटोकॉल। सो IGP राउटिंग प्रोटोकॉल में काफ़ी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। EGP में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है, विच इज कॉल्ड एज अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप वर्जन 1, वर्जन 2 एंड IGRP ये राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है। लिंक स्टेट में OSPF एंड ISIS ये राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है। हाइब्रिड में EIGRP प्रोटोकॉल उसका समावेश होता है एंड पार्ट वेक्टर में BGP राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है। ठीक है, सो हालांकि ये राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग CCNA के अंदर पढ़ते हैं, तो CCNA के अंदर यहाँ पे जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल का जिक्र किया है ये सभी के सभी राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग CCNA के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल एंड द डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, विच इज
वेरी यूजफुल, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी प्रोडक्शन नेटवर्क ऑपरेशन नेटवर्क में स्टैटिक एंड डिफॉल्ट का यूज करती ही करती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे में हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक सिग्निफिकेंस है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि अगर मैं किसी बाइक के बारे में बात करूँ, जैसे कि मुझे एक बाइक लेके ए से बी लोकेशन जाना है, ठीक है, अगर मेरे पास लाइक 100 cc का बाइक है तो वो भी बी लोकेशन तक पहुँच सकता है, अगर 1000 cc का बाइक है वो भी बी लोकेशन तक पहुँच सकता है। लेकिन 100 cc के बाइक और 1000 cc के बाइक में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसके कुछ फीचर्स अलग है, इसके कुछ फीचर्स एडवांस है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें। तो सेम है यहाँ पे जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुँचाने का तो काम करती है, लेकिन हर राउटिंग प्रोटोकॉल के फीचर्स अलग होते हैं, हर राउटिंग प्रोटोकॉल के फीचर्स अलग होते हैं। कुछ में हॉप काउंट्स डिफरेंट है, कुछ में मैट्रिक डिफरेंट है, एडी वैल्यू डिफरेंट है, तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल के फीचर्स अलग होते हैं और ये सब भी वर्क होते हैं हमारे राउटर के ऊपर, सो वी कैन कॉल इट एज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द राउटर। हम लोग उसके बाद में जंप करते हैं फायरवॉल के ऊपर। सो व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल इट इज द सिक्योरिटी डिवाइस। अभी फायरवॉल का यूज क्यों होता है मार्केट में, तो हम लोग वो समझते हैं। अभी फायरवॉल क्या करता है? तुम्हारा इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि ये मेरे पास फायरवॉल है, ठीक है, सॉरी ये मेरे पास स्विच है, स्विच के ऊपर कुछ यूजर कनेक्टेड है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है, ये मेरे राउटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर मेरे ISP के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और कंपनी के कुछ CEO एंड MD जो लोग हैं वो बाहर देश में बैठे हुए। जस्ट कंसिडर CEO का जो IP है वो है 10.1.10 एंड 10.1.1.11, ये MD का IP है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो अभी क्या होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो फायरवॉल होती है वो डिपेंड करती है कंपनी के प्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर लेवल पे, वो कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ISP एंड राउटर के बीच में यूज़ करते हैं, बिकॉज एक स्मॉल नेटवर्क है, हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं फायरवॉल। सो फायरवॉल क्या करता है? तुम्हारा इंटरनल मतलब इनकमिंग एंड बाहर जाने वाला आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा मैं, ACL, तो इसको साइड में लिख लेता हूँ, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो फायरवॉल क्या करता है? तुम्हारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करता है। अभी वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। अभी फायरवॉल भी काफ़ी सारी कंपनीज की आती है, सिस्को का ASA फायरवॉल होता है, चेक पॉइंट करके कंपनी उनका भी फायरवॉल आता है, पॉलो ऑल्टो कंपनी आता है उसका भी एक फायरवॉल होता है, 14 कंपनी, सोनिकॉल, साइबर होम, काफ़ी सारी कंपनी से उनके फायरवॉल्स आते हैं। अभी फायरवॉल के ऊपर मुझे कुछ रूल डिफाइन करना पड़ता है, मतलब पॉलिसीज बनाना पड़ता है। यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म का यूज़ होता है, द फर्स्ट वन इज़ अ परमिट। परमिट मतलब परमिशन देना, एंड द सेकेंड वन इज़ अ डिनाई। डिनाई मतलब ब्लॉक करना, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म है जो हम लोग फायरवॉल के ऊपर यूज करते हैं। अभी यहाँ पे आपको समझना है, जैसे कि मैंने ये फायरवॉल के ऊपर एक रूल बना के रखा है, सो वो रूल क्या है? मैंने बताया है कि अगर कोई पर्सन जिसका IP 10.1.1.10 है, अगर ये पर्सन आता है तो आपको उसको अलाउ करना है, अगर 10.1.1.11 आता है तो आप ये दोनों यूजर्स को अलाउ करना है। अलाउ करना है मतलब उसको परमिट करना है, परमिशन देना है, ठीक है, मतलब उसको अंदर के नेटवर्क में आने की परमिशन देना है। इन केस इसके अलावा कोई अनदर यूजर्स आता है, मतलब रिमेनिंग एनी पर्संस, तो आपको उसको ब्लॉक करना है। ये मैंने फायरवॉल के ऊपर रूल सेट करके रखा है, ठीक है। अभी 10.1.1.10 एंड 10.1.1.11 ये कंपनी के CEO एंड MD है, तो इसलिए मैंने उनको एक्सेस दिया, बिकॉज उनको अंदर आने की परमिशन तो होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के ओनर CEO MD तो वही है। तो जब ये ISP के थ्रू हमारे फायरवॉल के ऊपर हिट होते हैं, सो फायरवॉल क्या बोलता है कि सबसे पहले मैं रूल चेक करूँगा, ठीक है। अभी रूल चेक किया जैसे इसने, तो इसने बोला कि 10.1.1.10 नाम का एक पर्सन आया है, तो इसने रूल चेक किया, तो रूल में उसको पता चला कि 10.1.1.1 इसको हमें परमिट करना है। परमिट करना मतलब उसको अंदर आने की परमिशन देना है, तो वो अंदर आ जाएगा और अपने जो टीम के यूजर्स हैं उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, वॉट एवर जो भी कुछ उनके सर्वर्स वगैरह है उसको एक्सेस कर सकता है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे और एक पर्सन है जो आया 10.1.1.11,
ये पर्सन आया तो ये कंपनी के एमडी है और एमडी को भी हम लोगों ने परमिट करके रखा है, एक्सेस देके रखा है। तो यहाँ से क्या होगा, जब वो आईएसपी पे हिट होगा, आईएसपी से हिट होकर वो फायरवॉल के ऊपर हिट होगा, तो फायरवॉल रूल चेक करेगा, उसको रूल में पता चला 10.1.1.11 को फॉलो करना है, मतलब परमिट करना है, परमिट करने के बाद उसको अंदर आने की परमिशन देता है। फिर यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसका आई पी एड्रेस एक्स वाई जेड है, तो हम लोग यहाँ पर एक रैंडम आई पी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.1.10। जैसे ये पर्सन आईएसपी के थ्रू फायरवॉल पे हिट हुआ तो फायरवॉल चेक करता है, फायरवॉल बोलता है कि मेरे पॉलिसी के अंदर 10.1.1.10 को अलाउ करना है, 10.1.1.11 को अलाउ करना है, इन दोनों के अलावा कोई अनादर यूज़र है उसको ब्लॉक करना है, मतलब वहीं पे ड्रॉप करना है। तो ये फायरवॉल ने पॉलिसीज चेक किया, उसको पता चला कि कोई ये अननोन यूज़र है और उसको यहीं पे ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको अंदर आने का परमिशन नहीं दिया, ठीक है। जिसके वजह से मैं अपने इंटरनल नेटवर्क की सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, ठीक है। सो फायरवॉल इज बेसिकली यूज फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम लोग ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं एंड डिनाई कर सकते हैं। अलाउ मतलब परमिशन देना, डिनाय मतलब ब्लॉक करना। अभी यहाँ पे मैंने एक रूल के बारे में बताया, हम लोग फायरवॉल के ऊपर मल्टीपल रूल्स बना सकते हैं। आप 1000 बनाओ, 5000 बनाओ, 10000 बनाओ, इस डिपेंड ऑन यू, हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। अभी फायरवॉल के ऊपर हर एक का इंटरफेस अलग अलग होता है, इंटरफेस मतलब जो डैशबोर्ड है, जो दिखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। आफ्टर ऑल वर्क सेम होता है, हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एंड्रॉयड मोबाइल के एप्पल मोबाइल के साथ कंपेरिजन करूँ, तो एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ ऐसे फीचर्स है जो एप्पल में नहीं है, और एप्पल मोबाइल में कुछ ऐसे फीचर्स है जो एंड्रॉयड में नहीं है, करेक्ट। तो ये थोड़े बहुत तो डिफरेंस रहेंगे, ठीक है। सो ये होता है मेरा फायरवॉल का काम। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके पहले एक यहाँ पे टर्म लिख के रखा था ACL, ACL भी एक टाइम का एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ही बोला जाता है। ACL मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक मिनट, ओके। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ACL ये iOS जो होता है हमारे पास, जो राउटर होता है, राउटर के अंदर जो OS होता है, इसको हम लोग iOS बोलते हैं। iOS मतलब इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे पास नॉर्मल विंडोज PC वगैरह होता है उसके अंदर OS होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो राउटर के अंदर जो होता है उसको iOS बोलते हैं, जो कि फ्लैश के अंदर होता है। तो iOS क्या करता है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर डिफॉल्ट रूप से ACL ये फीचर इनबिल्ट होता है। ACL भी एक तरीके का पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, लेकिन हम लोग इसको एक्सट्रीम लेवल, मतलब इसको फायरवॉल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक सिक्योरिटी कर सकते हैं। लाइक हमें किसी होस्ट को ब्लॉक करना है, या किसी सबनेट को ब्लॉक करना है, या पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना है, सो विद द हेल्प ऑफ ACL इट्स पॉसिबल। सो हम लोगों को ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये फायरवॉल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग राउटर के ऊपर ACL लगा के भी पॉसिबल कर सकते हैं। सो ACL ये भी टॉपिक्स हमारे CCNA के अंदर कवर होता है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज ये एक काफ़ी बेसिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? सो हम लोग यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अभी लाइक 1949 हुआ है, सो हम लोग मिलते हैं 8 बजे मिलते हैं शार्प, ठीक है। हम लोग आगे के टॉपिक कवर करते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। अभी के लिए मैं मीटिंग पॉज करके रखता हूँ, डिसकंटिन्यू कर नहीं कर रहा हूँ, पॉज करके रखता हूँ। 8 बजे हम लोग फिर से कनेक्ट करते हैं और आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच।